हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकी ऑटो कार में। दोस्तों, क्या आप लोग 2023 में एक ब्रांड न्यू कार लेने का सोच रहे हैं जिससे आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिले, अच्छी सेफ्टी मिले, एक प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल जाए, साथ ही साथ जो एक्सटीरियर है वो भी आपको एक प्रीमियम लुक के साथ में स्पोर्टी देखने को मिल जाए? तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूं टाटा की तरफ से आने वाली टाटा टिगोर। एंड ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं वो है XZ प्लस। एंड ये एक टॉप वेरिएंट है जो कि पेट्रोल में अवेलेबल है। एंड ये एक प्रीमियम सेडान के अंदर आती है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से डिटेल में बात करने वाला हूं। एंड आप लोगों को बताने वाला हूं इस कार की हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज क्या देखने को मिलता है, देन प्राइस क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार को ग्लोबल NCAP की तरफ से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की है। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार की चाबी से, जो कि आपको रिमोट की के साथ में ऑफर की जाती है। एंड कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी, जिसके बैक में आपको टाटा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फ्रंट साइड में देखेंगे लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने का एंड फॉलो मी हेडलैम्प का बटन देखने को मिलता है। बहुत ही प्रीमियम की ऑफर की जाती है। एंड अब आ जाते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल लुक पर। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरा हेलोजन बेस हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में आता है। एंड इंडिकेटर का भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जो कि हेलोजन बेस यूज़ किया गया है। क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में यूज़ किया गया, जिससे बहुत ही अच्छी आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है नाइट के टाइम पर। एंड ये पूरा क्रोम का एलिमेंट यूज़ किया गया, जिससे बहुत ही अच्छी लगती है हेडलाइट। एंड नीचे आप देखेंगे तो फॉग लैम्प की हाउसिंग देखने को मिलती है, ये भी हेलोजन बेस है। DRL का भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, फॉग लैम्प के साइड्स में यूज़ किया गया है। एंड ट्विंग हुक का ऑप्शन भी यूज़ किया गया है। फ्रंट में आ जाए तो फ्रंट में आपको टाटा का क्रोम फिनिशिंग के साथ में लोगो देखने को मिलता है। ट्राई एरो एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग विद क्रोम इंसर्ट्स के साथ में आपको पूरी ग्रिल ऑफर की जाती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। एंड नीचे आप देखेंगे क्रोम स्लेटेड एरिया देखने को मिलता है, एक पट्टी के तौर पर यूज़ किया गया है। नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर टिगोर की बैजिंग है। लोअर ग्रिल भी आपको क्रोम इंसर्ट्स के साथ में देखने को मिल जाती है, जिससे बहुत ही प्रीमियम लुक आता है एंड आई कैची लगती है। स्किड प्लेट भी आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाएगी, न्यू डिज़ाइन के साथ में आती है। एंड अब चलते हैं इस कार के बोनेट एरिया के ऊपर साइड में। तो यहाँ पर आपको डुअल मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहीं पर आपको वॉशर का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि इनसाइड किया गया है बोनेट के अंदर। एंड यहाँ पर आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगी, जो कि रबर फिनिशिंग के साथ में आती है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने पर। बोनेट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का बोनेट देखने को मिलता है, डुअल डिज़ाइन के साथ में आते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है फ्रंट से देखने पर। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार की फ्रंट से चौड़ाई बता दूं, जो कि है 1677 mm की अच्छी खासी विड्थ देखने को मिलती है, जिससे एक बेहतर रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करती है ये कार। एंड अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से भी आपको बहुत ही मस्कुलर से लुक देखने को मिल जाते हैं, प्रीमियम लुक के साथ में कार प्रोवाइड की जाती है। टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर किए जाते हैं, जिनका टायर साइज़ है 175/60 R 15 inches के। एंड ये एलॉय व्हील्स के साथ में आते हैं, सिल्वर फिनिशिंग के यूज़ किए गए हैं, जिसकी बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। मिडल में आप देखेंगे टाटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड अब चलते हैं इस कार की रूफ़ की तरफ। बात कर लेते हैं ए बिलर के बारे में, तो पूरा बॉडी कलर आपको देखने को मिलता है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। रूफ़ की बात करें तो प्लेन रूफ देखने को मिल जाएगी, बैक साइड में शार्पन एंटीना यूज़ किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार का है। एंड यहाँ पे जो आपको ORVM देखने को मिलते हैं वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आते हैं, जो कि ऑटो फोल्डेबल है। एंड इसी को आप इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अंदर से। LED इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी इसी में आपको देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको फोल्ड करके दिखा देता हूँ, जो कि ऑटो फोल्डेबल है, तो आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार के हैं। एंड जो आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्रोम इंसर्ट्स के साथ में आते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग है। डोर्स पे भी आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाएगा, फ्रंट से लेकर बैक तक यूज़ किया गया है। बी ब्लेयर आपको पूरा ब्लैकआउट देखने को मिलेगा मैट फिनिशिंग में है। एंड बैक साइड में क्वार्टर विंडो एरिया भी देखने को मिल जाता है। एंड यहीं पे आपको फ्यूल टैंक एरिया भी देखने को मिल जाता है, जिसकी पेट्रोल में कैपेसिटी है 35 लीटर की। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार का डायमेंशन बता दूं, तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3993 mm की, 4 मीटर के अंदर आती है। हाइट 1532 mm की है। व्हील बेस 2450 mm का है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm का, जो कि अच्छा खासा यूज़ किया गया है इस कार के साथ में। कंफर्टेबली आप इस कार को कहीं पर भी राइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की तरफ और देख लेते हैं रियर से कैसे लुक्स प्रोवाइड करती है कंपनी इस कार के साथ में। तो रियर से भी आपको बहुत ही मस्कुलर से लुक देखने को मिल जाएंगे, प्रीमियम से लुक प्रोवाइड करती है कार। रूफ की तरफ देखेंगे शार्पिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। एंड यहीं पे आपको स्पॉइलर विद हाईमॉस स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाती है LED। एंड ये हाईमॉस स्टॉप लैम्प बहुत ही लंबी सी यूज़ की गई है। डिफॉगर का पूरा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। स्टीकर भी देखने को मिलता है 4 वोकल एंड लोकल का, जो कि टाटा की तरफ से सभी कारों में प्रोवाइड किया जाता है। क्रोम फिनिशिंग में टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड पूरी क्रोम फिनिशिंग की एक पट्टी देखने को मिल जाती है, ट्रीटमेंट के साथ में बहुत ही प्रीमियम लगती है। एंड रियर का कैमरा देखने को मिल जाएगा, नंबर प्लेट का स्पेस है, टिगोर की बैजिंग देखने को मिलती है 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ में। एंड यहाँ पर आपको जो टेल लाइट देखने को मिलती है वो LED आती है DRL के साथ में। एंड बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी भी यूज़ करती है नाइट के टाइम पर। क्रोम ट्रीटमेंट को यूज़ किया गया है एंड बहुत ही प्रीमियम लगती है।
एंड नीचे साइड देखेंगे पूरा रियर का बंपर एरिया यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर आपको डुअल रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे एंड रियर फॉग लैम्प की हाउसिंग देखने को मिलती है सिंगल। एंड ये नीचे आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, पट्टी के तौर पर यूज़ किया गया है, फाइबर बॉडी मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आती है। एक बार मैं आपको पूरा नीचे का प्रोफाइल दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल है, एग्जॉस्ट मफलर देखने को मिल जाएगा, पूरी कवरिंग देखने को मिल जाती है। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार का बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ कि कंपनी कितना बूट स्पेस प्रोवाइड करती है इस कार के साथ में। तो चलिए वन प्रेस से बूट को ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो है 419 लीटर का, जो कि अच्छे खासे बूट स्पेस के साथ में आती है। कंफर्टेबली आप यहाँ पर सामान को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लगेज को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। एंड यहीं पे पैड है जिसके नीचे आपको स्पेयर व्हील विद टूल किट पूरा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड बूट को भी क्लोज कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अदर स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का है पूरा रियर का प्रोफाइल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है एंड आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो अब आ जाते हैं सेकंड साइड प्रोफाइल की तरफ। सेकंड साइड से भी आपको सेम वही लुक्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार की एक्सशोरूम प्राइस बता दूं, जो कि है 7,64,900 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड जो ऑनरोड प्राइस है लखनऊ का वो है 8,68,000 रुपये के अप्रॉक्स में, जिसके अंदर आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ में कार प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए अब ओपन करते हैं सेकेंड रो के डोर को। एक्चुअली डोर क्लोज हो गया है तो फिर से मैं अनलॉक कर लेता हूँ एंड उसके बाद बात करता हूँ सेकेंड रो के डोर ट्रिम के बारे में कैसा देखने को मिल जाता है। तो चलिए ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग में पूरा डोर ट्रिम ऑफर किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है देखने पर। एंड यहीं पे आपको हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, टेक्चरेटेड यूज़ की गई है। डोर्स पे आपको ट्विटर का प्लेसमेंट देखने को मिलता है, क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल्स हैं एंड पूरा सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा फैब्रिक वाला। आर्मरेस्ट पे भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, हैंड ग्रिपर है, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, नीचे स्पीकर ग्रिल ऑफर की गई है, बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। सो कुछ इस प्रकार का है डोर ट्रिम। एंड अगर सेकंड रो केबिन की बात करें तो कुछ इस प्रकार की है। और अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक फैब्रिक एपॉक्सी वाली सीट ऑफर की जाती है, जो कि टाई एरो डिज़ाइन के साथ में आती है। बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड की गई है, अच्छा खासा थाई सपोर्ट है पैसेंजर के लिए। एंड जो बूस्टर्स है वो भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, बैकरेस्ट भी अच्छा खासा है, सीट बेल्ट आपको देखने को मिलती है, फिक्स्ड वाले आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, मिडल में आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है डुअल कप होल्डर के साथ में। एक्चुअली ये कवरिंग किया गया जिसकी वजह से मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। पैसेंजर साइड की डोर ट्रिम सेम यूज़ की गई है एंड ऊपर आप देखेंगे हैंड ग्रिपर है सेकंड रो के लिए, अच्छा खासा लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा, कंफर्टेबली पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ कार के अंदर कि कितना लेग स्पेस ऑफर किया गया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं लेग स्पेस ठीक ठाक है। एक्चुअली जो ड्राइवर साइड की सीट है वो थोड़ी पीछे है, जिसकी वजह से लेग स्पेस आपको कम लग रहा होगा, लेकिन आप जब बैठेंगे तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बॉटल होल्डर का स्पेस है। बैक साइड में देखेंगे तो पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा मोटा सा सामान रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। एंड फ्रंट रो केबिन की बात करें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जो कि अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सेकंड रो के लिए आपको रीडिंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं LED वाली। तो चलिए अब उतरते हैं कार के बाहर एंड चलते हैं फ्रंट रो केबिन की तरफ और देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं फ्रंट रो में। तो चलिए चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। यहाँ पर आपको की का प्लेसमेंट एंड रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे आप डोर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही पूरी डोर ट्रिम देखने को मिलेगी, डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आती है प्रीमियम सी। डोर्स पे ही आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, सॉफ्ट टच के साथ में आता है फैब्रिक एंड ये पीच फिनिशिंग वाला है फैब्रिक। हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, टेक्चरेटेड, हैंड ग्रिपर है, सेंटर लॉकिंग पावर विंडो के पूरे कंट्रोल्स हैं, क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, ऊपर साइड में ORVM के पूरे कंट्रोल्स हैं जिसको आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, एंड नीचे स्पीकर ग्रिल ऑफर की गई है, पेपर होल्डर बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का है डोर ट्रिम। फ्रंट रो केबिन की बात करें तो वो भी आपको पूरा डुअल टोन फिनिशिंग में देखने को मिल जाएगा। सीट की बात करें तो सेम रियर प्रोफाइल की जैसी पूरी सीट देखने को मिल जाती है, ब्लैक फैब्रिक अपॉस्टी के साथ में आती है, टाई एरो डिज़ाइन को यूज़ किया गया है एंड बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट है ड्राइवर के लिए भी। और जो थाई सपोर्ट है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। साइड के बूस्टर्स भी बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, बैकरेस्ट भी अच्छा खासा है, एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट आते हैं पूरे। नीचे आपको लीवर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप सीट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड ये रोलर है जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। ABC पैडल्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है। यहाँ से आप फ्रंट की बोनट को ओपन कर सकते हैं। मोबाइल होल्डर का स्पेस है ड्राइवर साइड में। AC वेंट देखने को मिल जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिशिंग विद क्रोम इंसर्ट्स के साथ में आती है, बहुत ही प्रीमियम लगती है। सो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का है डोर ट्रिम एंड सीट कंफर्ट। तो चलिए अब कार के अंदर बैठते हैं एंड वन बाय वन करके फ्रंट रो केबिन के सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। एंड कुछ इस प्रकार का है पूरा डोर ट्रिम
एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो यहाँ पर आपको 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील ऑफर की जाती है जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आती है, कंफर्टेबली आप ग्रिप कर सकते हैं। नीचे साइड देखेंगे फ्लैट बॉटम एरिया देखने को मिलेगा, मिडल में टाटा का लोगो है क्रोम फिनिशिंग में एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग यूज़ की गई है। एयरबैग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी लोगो के नीचे एंड लेफ्ट साइड में पूरा आपको टेलीकॉलिंग म्यूजिक कंट्रोल के सिस्टम देखने को मिलते हैं। राइट साइड में कोई भी कंट्रोल्स नहीं है एंड लेफ्ट साइड में वाइपर के पूरे कंट्रोल्स यूज़ किए गए हैं। राइट साइड में देखेंगे इंडिकेटर हेडलाइट के पूरे कंट्रोल्स हैं जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड अब चेक कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील कैसे देखने को मिलती है। तो पहले मैं अनलॉक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आपको केवल टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। तो फिर से मैं लॉक कर देता हूँ एंड बात कर लेता हूँ इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आता है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के माध्यम से कार ऑन हो जाती है। तो ऑन करने के बाद फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एंड ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिलता है न्यू एनिमेशन के साथ में, बहुत ही प्रीमियम सा लगता है देखने पर। इसी के अंदर आपको ऑल इन्फॉर्मेशन, चेक लाइट्स एंड जो इंडिकेटर्स है वो सभी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। राइट साइड में टेम्परेचर विथ फ्यूल इग्निशन है, मिडिल में MID स्क्रीन है डिजिटल वाली एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे तो RPM लिमिट का इग्निशन है। ऊपर भी आपको चेक लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। डिस्प्ले के अंदर आप देखेंगे KM का इग्निशन है, ओडो, किलोमीटर, ट्रिप मीटर और डिजिटल क्लॉक एंड जो फंक्शन है वो आप सभी देख सकते हैं। डुअल स्ट्रोक के बटन है जिसके माध्यम से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो एंड सभी को आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रेस करके। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सराउंडिंग में आप देखेंगे तो क्रोम ट्रीटमेंट को यूज़ किया गया है एक प्रीमियम इसके साथ में। तो चलिए अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। यहाँ पे आपको पूरा प्रीमियम सा सेंटर कंसोल देखने को मिल जाता है जो कि न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में आता है। ऊपर आप देखेंगे डुअल AC वेंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि पियानो ब्लैक फिनिशिंग विद क्रोम इंसर्ट्स के साथ में आते हैं। हैजार्ड लाइट का स्विच है। नीचे आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि हरमन कार्डन की तरफ से आता है एंड ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, रियर पार्किंग कैमरा एंड जो व्हीकल की इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। एंड इसी में आपको 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही लाउड वॉइस के साथ में आता है। एंड टच रिस्पॉन्स जो है वो भी आपको बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड नीचे साइड आप देखेंगे तो बटन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले मैं एक बार आपको रियर का कैमरा दिखा दूं जो कि गाइडलाइंस के साथ में देखने को मिल जाएगा एंड जो रियर का बूट है वो ओपन है, उसका भी आपको इग्निशन देखने को मिल रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है। म्यूजिक सिस्टम के नीचे आपको पूरे बटन्स देखने को मिल जाते हैं एंड उसके नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिक AC कंट्रोल पूरे देखने को मिल जाएंगे जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा नीचे देखेंगे 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा, ऑक्स USB का भी पॉइंट देखने को मिल जाएगा एंड थोड़ा सा स्पेस यूज़ किया गया है मोबाइल होल्डर के तौर पे। एंड बैक साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है जो कि लेदर रैप्ड है, अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आता है, कंफर्टेबली आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। 3 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे, हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग में डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में यूज़ किया गया, टेक्चरेटेड है एंड यहाँ पर टेक्चरेटेड फिनिशिंग यूज़ की गई है। को पैसेंजर साइड में आपको AC वेंट देखने को मिलता है एंड ए बिलर्स पे आपको पूरा ट्विटर के प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। नीचे साइड देखेंगे तो ग्लो बॉक्स ऑफर किया गया है जो कि कोल्ड ग्लो बॉक्स है, ये को पैसेंजर साइड में यूज़ किया गया है। एंड जो को पैसेंजर साइड की सीट है वो भी आपको सेम देखने को मिल जाती है, ड्राइवर जैसी ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री वाली एंड डोर ट्रिम भी आपको सेम देखने को मिल जाएगी, हैंड ग्रिपर देखने को मिल जाएगा ऊपर साइड में। एंड अब चलते हैं इंटीरियर रूफ की तरफ। तो यहाँ पर आपको डे नाइट वाला आपको IRVM देखने को मिल जाएगा एंड सॉफ्ट टच यूज़ किया गया है। को पैसेंजर साइड में देखेंगे तो वैरायटी पैड विद मिरर का ऑप्शन है, एयरबैग की बैजिंग है। ड्राइवर साइड में भी आपको वैरायटी पैड विद मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड ड्राइवर साइड में सिंगल रूफ माइक देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का है पूरा फ्रंट रो केबिन जो कि लग्जरी फीचर्स के साथ में आता है, सभी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार की सेफ्टी की कुछ पॉइंट्स बता दूं। तो इस कार में आपको ग्लोबल NCAP की तरफ से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की गई है, साथ ही साथ डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD जैसे फंक्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे सेफ्टी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। चाइल्ड लॉकिंग जैसे सिस्टम भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे ये कार और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाती है एंड जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो चलिए अब कार को करते हैं बंद एंड अब चलते हैं कार के फ्रंट में और बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 1199 cc के साथ में आता है, जिसकी मैक्स पावर है 86 PS की एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 113 Nm की। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं जिससे जो माइलेज निकल के आता है वो आता है 19 से 20 KMPL का। तो ओवरऑल दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी कार के बारे में। तो कार बहुत ही प्रीमियम है, सभी फीचर्स फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। टाटा का एक
अच्छा भरोसा देखने को मिल जाता है, वो भी एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। साथ ही साथ इस कार में आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, वो भी ग्लोबल एनकैप की तरफ से। एंड अगर प्राइस की बात करें तो 7,64,900 रुपए एक्सोरूम प्राइस है, जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स प्रोवाइड करती है कंपनी। सो आई होप आप लोगों को कार भी बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड आज की ब्लॉग भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।